दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ
अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी, उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं,
यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाओ, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमा घर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद। बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है। अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी।
तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है
और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है।
इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाओ, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है।
72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है। अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ
अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी, उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं,
यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाओ, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी।
तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है
और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है।
जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाओ, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है।
दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए।
यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है, अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है
उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी।
जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली।
इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाओ, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद। बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है। अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है
और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं।
निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कव्वाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कव्वाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कव्वाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है। अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कव्वाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कव्वाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कव्वाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कव्वाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कव्वाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, कव्वाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कव्वाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ खत्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसन चाओ, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी।
यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद। बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है। अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ खत्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमा घर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में YouTube पर अवेलेबल नहीं है, अगर YouTube पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कल्याण शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है, तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है। इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाव। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है।
कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं, सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी, उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड मूवी कबाली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबाली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात करें इस मूवी के बारे में, 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी कबाली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो सुपरस्टार रजनीकांत, राधिका आप्टे, साई धनसिका, विंसेंट चाव, कलियार शरण आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग हासिल है। 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। 58% रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। दोस्तों, अगर आप कबाली मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। यह मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कबाली मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी भाषा में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे यह मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। यह मूवी डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर ही हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, कबाली मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। तब उसे 25 साल की कैद होती है। जेल से रिहा होने पर वह उन लोगों से बदला लेता है जिनके कारण उसे जेल हुई है।
इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण की द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का म्यूजिक संतोष नारायण के ओर से दिया गया है। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कबाली मूवी को आप ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पसंद की गई शानदार मूवी है। रजनीकांत की कहानी शुरू होती है 25 साल में जेल में कैद रहने के बाद बूढ़ा हो चुका कबाली रजनीकांत लौट रहा है। उसकी वापसी गैंग 47 के लिए खतरे की घंटी है। इस गैंग का सरगना है टोनी विंस्टन चाओ। कबाली को टोनी और कुछ अन्य ऐसे लोगों से हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। टोनी और इन लोगों के साथ जंग में कबाली अपनी पत्नी राधिका आप्टे को खो चुका है, अतः अब गंवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कहानी में कई आकर्षक ट्विस्ट एंड टर्न है और आखिर में वह खुद सुखद राज खोलती हुई कबाली की जीत के साथ ख़त्म होती है। रजनीकांत किंवदंती बन चुके हैं। सिनेमाघर में फैंस का जुनून एक खास एहसास पैदा करता है। रजनीकांत को देखने, बोलने, चलने और मुस्कुराने का अंदाज ही अभिनय है। वह दर्शक को चौंकाते हुए उसका मनोरंजन करते हैं। निर्देशक ने शुरू से अंत तक बांधे रखा। यहाँ काफ़ी कुछ अतरंजित होकर भी अनावश्यक नहीं मालूम पड़ता। रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे खूबसूरत लगी। उन्होंने अपनी भूमिका सहजता से निभाई। भारतीय सिनेमा में भाषाई सीमाएं इधर टूट रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कबाली किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष की फिल्म नहीं है। अपनी कहानी से लेकर फिल्मांकन तक यह वैश्विक है। कबाली मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में आपके अपने टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और यह मूवी आपको हिंदी भाषा में भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कबाली मूवी हिंदी भाषा में यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होती है तो मैं आपको बता दूंगा।